है चांद, चांद की रोशनी खुद की रोशनी है क्या रिफ्लेक्टेड रोशनी? रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड है। कभी पता चला? यस्टरडे, 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले, उस पर बहस नहीं करेंगे। कुरान मजीद ने 1400 साल पहले लिखा है सूरह फुरकान में सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 में कि ये चांद और सूरज, सूरज की खुद की रोशनी है, चांद की रोशनी बोरोड है, ली गई है या रिफ्लेक्टेड है, नूर या मुनीर। तो कौन कुरान में लिख सकता है कि ये चांद की रोशनी खुद की रोशनी नहीं है, बोरोड रोशनी है, रिफ्लेक्टेड है? पहले हर इंसान समझता था कि चांद की खुद की रोशनी है, कोई भी हाइपोथेसिस भी नहीं था, बराबर ना? ये हाइपोथेसिस भी नहीं था 1000 साल पहले कि चांद की रोशनी खुद की है, स्फेरिकल था, मैं जानता हूं, पीपल ऑफ पाइथागोरस ने कहा था। चांद के बारे में तो किसी ने भी नहीं कहा। कौन लिख सकता है कुरान में 1400 साल पहले कि चांद की रोशनी खुद की नहीं है, ली गई है, बोरोड है, रिफ्लेक्टेड है? कौन लिख सकता है? Stick to my earlier answer. क्या आंसर? Some scientist. पहले बार साइंटिस्ट, सेकंड बार साइंटिस्ट, थर्ड। लेकिन ये साइंटिस्ट ने जब जाना, दुनिया से कहा क्यों नहीं? Because those times were, those... अगर साइंटिस्ट ने कहा, आपकी साइंस की किताब में क्यों नहीं लिखा है? 1400 साल पहले आपके साइंस ने किताब में बिग बैंग क्यों नहीं लिखा?